हुए कम है, लेकिन स्थानीय जवाब भी बहुत हिंसा दे रहे हैं। आज इसके रोकने को नहीं जा रही है। अब आप सोचेंगे कि करीब का है क्या, और ये अचानक से कहाँ से आ गया? तो भाई करीब का जो है हैदराबाद, सखर और पंजाब के बाद कराची में भी अपना धमाका फेस ओपनिंग करने जा रहा है। इससे पहले कि मैं पोस्टिंग या परफॉर्म करूँ तो मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ और आपको भी इसको शामिल करती हूँ, क्योंकि खुशियों में आपको भी अपने साथ डालती हूँ। करीब पर ये 18 फ्लेवर है, आइसक्रीम और फालूदा तो है ही है, लेकिन इसमें जो है लिमका, उसके 18 फ्लेवर हैं और बहुत ज़बरदस्त से और यम्मी से हैं। उसमें जीरा, जिंजर और क्या कहते हैं उसको मटकी, ये फ्लेवर बिल्कुल यूनिक से हैं और इनके ओरिजिनल फ्लेवर हैं। मैंने कराची के ऑलमोस्ट सारे फ्लेवर चेक किए हैं, लेकिन ये जैसा फ्लेवर मुझे कहते नहीं मिला। और जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे वाकई में लगा कि ये ओरिजिनल है। हाइजीन का इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है और टेस्टिंग है सिंध पूरे पाकिस्तान में। इनका दावा है कि कोई भी लिमका टेस्ट होकर नहीं आता, लेकिन ये टेस्ट हुआ हुआ है तो फिर क्या रह गई प्रॉब्लम। रद ने जायका दिया और करीब लिमका ने महफूज किया। तो हम आपको थोड़ा सा व्यू करते हैं, तो आइए। एक और बहुत अच्छे से यहाँ पे ताहा मौजूद हैं और जो लिमका ट्राई करके गए थे और दोबारा से आए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं आज ये कौन सा फ्लेवर ट्राई करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप आज कौन सा ट्राई करने आए हैं? चॉकलेट चिप्स एंड मैंगो, यानी कि दोनों एक साथ साथ या अलग अलग? साथ साथ। तो सबसे अच्छा कौन सा लगा? हाँ, वो सेहत देख के लग रहा है आपको कि आपको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यानी कि हर रोज़ का है करीम लिमका या वीकेंड का? वीकेंड का भी, वीकेंड वीकेंड का। कुछ कहना चाहेंगे करीम लिमका के लिए? अच्छा है, अच्छा है। और ट्राई करेंगे चीज़ें, ठीक है। फ्लेवर कैसे लगे? अच्छे। और आपको ये भी बताते चलूँ कि मोर देन 18 यानी कि इसके फ्लेवर हैं, आइसक्रीम और फालूदा तो अलग ही है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं करीम लिमका पे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन साहब। अभी से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हसन, कैसे हैं आप? और अब थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आप लोगों ने माशाल्लाह से पंजाब, सक्कर, हैदराबाद के बाद कराची में ओपनिंग की है और इसकी व्यूवरशिप भी बहुत है और इसके जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा है और कराची के लोगों के बेहद इसरार पर आप लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग की है माशाल्लाह से। मैंने ना व्लॉग बनाया है कि ओपनिंग से पहले मैं उनका व्लॉग बना लेती हूँ, आप सबके जो काम है उसको मैं दिखाऊँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना बताएंगे किस तरीके से और किस तरह से बहुत मेहनत के बाद आप लोगों ने इस दुकान की ओपनिंग की है, तो क्या क्या आप लोगों की मुश्किल हुई कराची में आने के लिए? ये कि सखर में, हैदराबाद में और हमने जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कस्टमर जो है बहुत लाइक कर रहे हैं प्रोडक्ट को, हमारी लिमका को और हमारे मिल्क सोडा है और दूसरे तीसरे आइटम्स हैं, फालूदा है, आइसक्रीम है, मिल्क शेक्स हैं। तो ये है कि कस्टमर्स की डिमांड पे हमने कराची में भी किया है, आगे भी कोशिश है कि यहाँ और ब्रांचेज में बनाएं। बिल्कुल, माशाल्लाह से मैंने भी ट्राई किया है, उसके ओरिजिनल फ्लेवर है और मैंने सुना है कि आप लोग के पूरे पाकिस्तान में कोई भी लिमका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि टेस्ट के साथ और हाइजीन पे मद्देनजर रखते हुए आपके अपने जायके हैं एटलीस्ट बरामद होता है। तो
बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल न्यू फ्लेवर आए हैं, पॉमग्रेनेट का है, अदरक का है, जिंजर और पीच का है, लोग पसंद कर रहे हैं। और चॉकलेट चिप्स तो मैंने यानी कि किया हुआ था, लेकिन इस तरह का फ्लेवर मैंने नहीं किया। ऑलमोस्ट 18 फ्लेवर हैं, तो इतने सारे फ्लेवर को किस तरह से याद रखते हैं, कौन सा फ्लेवर कौन सा है? बस ये कस्टमर की डिमांड पे इतने फ्लेवर बढ़ाए हैं, बाकी हमारी पूरी ये कोशिश होती है करीम की कि रियल फ्रूट्स पे और रियल पल्स पे काम करें, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हमारे पास बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो है रियल फ्रूट्स में हमारे मिल्क सोडाज हैं और अल्लाह आपका भला करे लिमका हैं, मिल्क शेक वगैरह, बाकी ज़्यादा कुछ ये होती है कि रियल फ्रूट्स पे और पल्स पे काम करें। ठीक है, जैसे हमारा आलू बुखारा है, इमली है, अनार है, फालसा है, आलू बुखारा, और ये तमाम जो फ्लेवर हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, और इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि इस फ्लेवर में कोई ऐसा मिलावट। इसे हमें इटली से आता है, जब भी वकार भाई से बात हो रही थी, अब असल भी मुझे ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर मैार और क्वालिटी पे इन्होंने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रांचें इनकी चल रही थी, चौथी ब्रांच है। और मोहम्मद हसन, आपको लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को, होस्ट जिया खान और होस्ट अदान खान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में या मेरे बारे में? नहीं, आपका माशाल्लाह, आपकी जो एक्टिविटी और आपका ब्लॉग हम देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं आप लोग, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ये थे हसन भाई और करीम लिमका के टीम मेंबर में से हैं, फैमिली मेंबर में से हैं, और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मैं मोहम्मद हसन और मैं जिया खान के लिए कहना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी हमारे करीम लिमका की कराची ब्रांच में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की है और काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। इसने बहुत मेहनत से ये काम करा है, और मैंने इसको देखा कि एक मिनट के लिए बिना नहीं बैठा। इसका नाम है हुज़ैफ़ा, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत मतलब काम में इसने दिल खोल के काम किया, यानी कि जता दिया कि बता दिया इसने कि ये बस माइंड ब्लोइंग, इसे काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं जो कदम है, ये हसन है, ये बकार भाई है, इनके बकार भाई है, और ये माशाल्लाह से खुद अपने हाथ से फ्लेवर है चॉकलेट चिप का, और इनके पास मेरे सामने बहुत ज़्यादा बहुत सारे इनके पास ऑर्डर है, यूं ही करीब इनका मशहूर नहीं है। हो गया क्या? इनकी होस्ट है जिया खान, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारे ये इवेंट किया है, और मुझे खुशी है कि मैंने इन लोगों को हायर किया था अपने इवेंट के लिए, और मेरी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया। शुक्रिया।